90.4 FM रेडियो खांची प्रस्तुत करता है इस आजादी के अमृत महोत्सव पर एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है आजादी के मतवाले राही। और आज की कड़ी में हम आपको मिलवाएंगे विधान चंद्र रॉय से। आजादी के मतवाले राही में आज आप सुनेंगे डॉक्टर विधान चंद्र के बारे में। जब वर्ष 1933 में आत्मशुद्धि उपवास के लिए गांधी जी ने दवा लेना भी अस्वीकार कर दिया, डॉक्टर विधान चंद्र उनके पास आए और उन्होंने गुजारिश की कि आप कम से कम दवा तो लें, आपके स्वास्थ्य के लिए यह बहुत जरूरी है। तो बापू ने कहा, क्या तुमने देश के 40 करोड़ लोगों का मुफ्त में इलाज किया है? इस पर डॉक्टर विधान चंद्र ने अपनी हाजिर जवाबी का उपयोग करते हुए कहा, नहीं गांधी जी, मैं सभी मरीजों का मुफ्त इलाज नहीं कर सकता, किंतु जो मेरे देश के 40 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि हैं, उनका इलाज करने मैं आया हूं। गांधी जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट भरी सहमति आई और उन्होंने दवाई ली। जी हां, ऐसे काबिल डॉक्टर जिनके जन्मदिवस 1 जुलाई के अवसर पर पूरे देश में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, आज उन्हीं विधान चंद्र राय के बारे में अगर हम बात करें तो उनका जन्म 1 जुलाई 1882 को बिहार के पटना जिला में हुआ था। पिता इनके प्रशासनिक पदाधिकारी थे, डिप्टी कलेक्टर थे। पटना से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और डॉक्टर बनने की ललक, देश के नागरिकों को अच्छी मेडिकल सुविधा देने की चाहत लेकर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया। लेकिन जल्दी ही पिता रिटायर कर गए, पेंशन की कोई व्यवस्था थी नहीं और इन्हें आर्थिक रूप से परेशानी झेलना पड़ा। लेकिन अगर आपके मन में जज्बा हो, आपके अंदर एक शक्ति हो, तो आपको पूरा जमाना साथ देता है। और यही हुआ, वह अपने सहपाठियों से नोट्स और पुस्तकालय से पुस्तकों को लेकर अव्वल दर्जे में उन्होंने मेडिकल कॉलेज को पास किया। उसी समय बंग भंग हुआ था और बंगाल विभाजन का यह जो अन्याय था अंग्रेजों का, इसके खिलाफ लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, प्रसेनजीत सेन गुप्ता और विपिन चंद्र पाल जैसे राष्ट्रवादी नेता काफी उग्रता से इसका संचालन कर रहे थे और विधान चंद्र राय भी इससे अछूते नहीं रहे और उनका ध्यान भटक रहा था। उन्हें लग रहा था कि मैं मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर देश की लड़ाई में शामिल हो जाऊं। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि एक अच्छा डॉक्टर बनकर मैं अपने गरीब भारतीयों का इलाज कर सकूंगा, इसलिए अभी मुझे शिक्षा पर ध्यान देनी चाहिए। यह उनकी उस उत्कट अभिलाषा का एक रूप था जो उन्हें अंदर से एक बेहतरीन डॉक्टर बनाने के लिए उनको तैयार कर रहा था। और असफलता से वो कभी घबराते नहीं थे। डॉक्टर विधान चंद्र इंग्लैंड जाने के बाद सेंट बर्थोलेमियो हॉस्पिटल में दाखिला लेने का उन्होंने प्रयास शुरू किया। 30 बार उन्हें इस आधार पर एडमिशन नहीं दिया गया कि वह एक भारतीय है, लेकिन उन्होंने भी जिद ठान ली थी और डॉक्टर विधान चंद्र के इस जिद के सामने उस हॉस्पिटल को झुकना पड़ा, अंग्रेजों को झुकना पड़ा। और जब उन्हें एडमिशन मिला, उन्होंने अपनी योग्यता और अपनी दक्षता से महज 2 साल के ही अंदर रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस और रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन के फेलोशिप सदस्य बना दिए गए। पूरे इंग्लैंड में उनका नाम प्रसिद्ध हो रहा था कि कौन वो भारतीय है जो इतना बढ़िया डॉक्टर है। जरूर उन्हें रोकने का प्रयास किया गया होगा, लेकिन अपने भारत माता की सेवा की ललक और आजादी का जो संग्राम था, उस वक्त वो चरम पर था, उसमें भाग लेने के लिए उनकी जो उत्कट अभिलाषा थी, जो उन्होंने एक छात्र जीवन में अपने आप को रोका था, उन्हें लगा कि अब उसको निभाने का वक्त आ गया है, समय आ गया है। और देश लौटते ही डॉक्टर विधान चंद्र ने अपना क्लिनिक खोला, उन्होंने कुछ सरकारी नौकरी भी की और 1923 में उन्होंने बंगाल विधान परिषद का चुनाव लड़ा। कितने प्रख्यात थे कि उस वक्त के सुरेंद्रनाथ बनर्जी को उन्होंने मात दिया और यहीं से उनकी राजनीति में एंट्री होती है। फिर 1928 में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सदस्य चुना गया और प्रतिद्वंद्वता के बीच में भी वह एक सरल और सहज व्यक्ति थे और इसीलिए डॉक्टर विधान चंद्र सबके प्रिय थे। 1929 में जब बंगाल में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसको उन्होंने आगे बढ़कर नेतृत्व दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग 1 साल से ज्यादा उन्हें अलीगढ़ के सेंट्रल जेल में बिताना पड़ा। अपने कर्तव्य के प्रति, अपनी राजनीतिक सोच के प्रति और देश सेवा के प्रति
जो डॉक्टर विधान चंद्र की लगन थी, उसके कारण ही उन्हें आजादी के बाद 1948 से लेकर 1962 तक पश्चिम बंगाल का कमान संभालने का मौका मिला और वो मुख्यमंत्री रहे। एक प्रख्यात, एक जनता के लिए सुलभ, लोकोपकारी मुख्यमंत्री के रूप में रहते हुए उन्होंने 5 शहरों की भी स्थापना की पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर, कल्याणी, विधाननगर, अशोकनगर और हाबरा। और 1961 में उन्हें भारत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर सम्मानित किया गया है। डॉक्टर विधान चंद्र राय की सेवा भाव और उनकी समर्पण भाव को रेडियो खांची करता है सलाम। डॉक्टर आनंद कुमार ठाकुर की आवाज में आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजादी के मतवाले राही। और इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी सुझाव या फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर पे। हमारा नंबर है 9472786904। और साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से फॉलो भी कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे शो की अगली कड़ी में 90.4 FM रेडियो खांची पे। जय हिंद।